ये हमारी देश की बीएसएफ की जवान हैं, महिलाएं हैं और खास तौर पे ट्रेनिंग के साथ इस वक्त खड़े हुए हैं। ड्रोन का सामना हो, घने कोहरे का सामना हो, किसी तरह का थ्रेट हो, सबसे पहले बात करते हैं कहाँ से हैं आप और किस तरह की तैयारी है नए साल के लिए। मैम तैयारी क्या है, मैं तो बॉर्डर ही ड्यूटी करनी है। यूपी से है, नाम अंजुली यादव। ड्रोन्स के लिए किस तरह से आपको तैयार किया गया है? मैम ड्रोन्स के लिए हम पेट्रोलिंग करते हैं नाइट में, कानों से उसकी आवाज को सुनते हैं। जैसे ही हमें पता चलता है, हम आगे अपने कमांडर को इसकी रिपोर्ट करते हैं, फिर आगे की कार्रवाई की जाती है। महिलाओं ने भी ड्रोन गिराया है हाल फिलहाल में, किस तरह से देखते हैं कि महिलाओं का योगदान है बीएसएफ में? महिलाएं भी बराबर की ड्यूटी कर रही हैं, जितनी ड्यूटी पुरुष इस टाइम पे कर रहे हैं उतनी ड्यूटी अभी महिलाएं भी कर रही हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है, क्या चैलेंजेस हैं एक महिला सोल्जर के लिए? मेरा नाम सपना है, तो हम 6x6 ड्यूटी करते हैं, व्हीकल पेट्रोलिंग करते हैं और इस कड़ी ठंड में देश के लिए हम तैनात हैं। घर वालों की याद नहीं आती आप लोगों को, या क्योंकि एक प्रोफेशनल सोल्जर है आप लोगों को समय मिलता है दोनों घर का और यहाँ पे संभालने का? जी हमें समय पूरा मिलता है, यहाँ ड्यूटी के अलावा हमें 6 घंटे मिलते हैं जिसमें हम अपने आराम से घर पे बात कर सकते हैं। घर वालों की याद तो आती है लेकिन ड्यूटी पहले, घर वाले बाद में। जब आप ट्रेनिंग कर रहे थे तो सोचा था इतना टफ होगा, या आपको लगता है कि ज्यादा महिलाओं को आना चाहिए? हाँ जरूर आना चाहिए, ट्रेनिंग हमको इसी तरीके से दी गई है कि हम मेंटली और फिजिकल दोनों तरह से तैयार होते हैं यहाँ पे बॉर्डर को संभालने के लिए। कितना गौरव होता है कि महिलाओं ने ड्रोन गिराया है? बहुत गर्व की बात है ये, हमें जब से ट्रेनिंग दी गई है उसके बाद हमें ऐसे लगता है कि हर लड़की को फोर्स में आना चाहिए देश की सेवा के लिए। तो एक उमदा बात कही है, लेकिन आपको बता दें कि हाल फिलहाल में जब ड्रोन एक्टिविटी हुई उसमें दो महिलाएं हैं जिन्होंने ड्रोन को गिराया, लेकिन जाहिर सी बात है ह्यूमन इंटरवेंशन तो है ही, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी बीएसएफ लगातार कर रही है। और क्योंकि अब नए साल का आगमन होने वाला है, ड्रोन की गतिविधि बढ़ गई है और उस चुनौती का सामना पुरुष और महिला बीएसएफ जवान दोनों ही कर रहे हैं।